हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल यश चेतना में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज मोक्षदा एकादशी है और एकादशी विष्णु भगवान का दिन होता है और विष्णु भगवान को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है। तो चलिए हम मिलकर तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं और विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तुलसी लगा रखी है। इसमें दो कलर्स की है, एक तो ये थोड़ी सी जो ब्लैक सी है इसको श्यामा तुलसी कहते हैं और ये हरे रंग की तुलसी। ये दो तरह की तुलसी लगा रखी है। और ये देखिए मेरा गमला जिसमें मैंने तुलसी लगा रखी है, कितना सुंदर गमला है ना। इसमें मैंने दो वाइट कलर के स्टोन्स भी रखे हुए हैं। और अब हम विष्णु भगवान के लिए, उनको चढ़ाने के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ेंगे। तुलसी पत्र तोड़ने से पहले हमें उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। हे तुलसी माता, मैं विष्णु भगवान को चढ़ाने के लिए आपका पत्ता तोड़ रही हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। और साथ ही साथ हमें तुलसी पत्र तोड़ने से पहले गायत्री मंत्र का भी एक उच्चारण कर लेना चाहिए। ओम भूर भुव स्व तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लीजिए, हम तुलसी माता के इन पत्तों को तोड़ रहे हैं। ये हमने देखिए तुलसी के पत्तों को तोड़ लिया है। लीजिए फ्रेंड्स, ये जो तुलसी पत्ता मैं तोड़ कर लाई थी, अब ये मैं विष्णु भगवान को चढ़ाने के लिए लेकर आई हूँ। ये रहे मेरे विष्णु भगवान। मैं कोशिश करती हूँ कि इनको रोज़ चढ़ा दूँ, कभी कभी नहीं भी चढ़ पाता है। ये मेरा पहले वाला तुलसी पत्र है, ये मैंने इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। और ये जो मैं अभी लेकर आई थी वो है। और हम इस पत्ते को चढ़ाते हुए हम उच्चारण करेंगे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। फ्रेंड्स, आपको पता है कि विष्णु भगवान को तुलसी का पत्ता बहुत अधिक प्रिय है। सारी खुदाई एक तरफ और तुलसी का पत्ता एक तरफ। और विष्णु भगवान को तुलसी पत्र क्यों प्रिय है, मैं आपको किसी और दिन बताऊँगी। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी मोक्षदा एकादशी। साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं, आज गीता जयंती भी है, क्योंकि आज के दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और चूंकि आज के दिन गीता का ज्ञान दिया गया था, इसीलिए आज की एकादशी के दिन मोक्ष प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, बाय।